Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are doing well. In previous class, we discussed the chapter food. We also discussed the sources of food, why do we need food, food timetable, healthy food habits, and हमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो खाते वक्त याद रखनी चाहिए और जंक फूड क्या होता है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड द असेसमेंट पार्ट ए बी सी एंड डी. हमने ये चारों पार्ट्स कर लिए थे, हमने इसको डिस्कस भी कर लिया था और आपने इसका वर्क भी मुझे भेज दिया था. आज की क्लास में हम बाकी बची एक्सरसाइजेस करेंगे. जो ई पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे. जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वी ईट टू लिव, वर्क एंड प्ले. हम किस लिए खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए. अगर हम नहीं खाएंगे तो ना हम जिंदा रह पाएंगे ज़्यादा लंबा, ना हम काम कर पाएंगे और ना हम खेल पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट ईट मील एट फिक्स टाइम्स. क्या होगा अगर हम जो खाना है वो सही टाइम पर ना खाएं, मतलब सुबह का नाश्ता ना करें, दिन का खाना ना खाएं, रात का डिनर ना करें, तो क्या होगा? सो वी विल फील वीक एंड बिकम सिक सून. ठीक है, तो हम क्या होगा, हम बहुत जल्दी वीक फील करेंगे और हम बीमार जल्दी पड़ जाएंगे. ठीक है, हम अगर हम नहीं खाते तो ऐसा होता है ना, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता, गैस होने लगती है, पेट दर्द होता है, तो वही हम वीक फील करेंगे और उसके बाद हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे. तो इसलिए हमेशा खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए. नेक्स्ट है हॉट्स के क्वेश्चन, राइट एनी फोर गुड हैबिट्स. आपको चार अच्छी फूड हैबिट्स लिखनी है, तो वो ऑलरेडी आपके यहाँ पर जो दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, आप इनमें से कोई भी फोर लिखेंगे. सिर्फ आपको फोर लिखने हैं, ठीक है, तो आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है, च्यू योर फूड वेल, डू नॉट ओवर ईट, अच्छे से खाओ, ज़्यादा मत खाओ, जंक फूड कम खाओ, खाना बर्बाद कम करो, खाना ढक कर खाओ, ढका हुआ खाना ही खाना है, ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्टिविटी, ड्रॉ टू फूड दैट, आपको दो फूड आइटम्स ड्रॉ करने हैं, ड्राइंग बनानी है उसकी. पहला हेल्प अस टू ग्रो, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, तो वो होती है फिश, मिल्क, तो आप फिश बना सकते हो. ठीक है, आप मिल्क का ग्लास बना सकते हो. उसके नीचे आपको लिखना भी है कि फिश है, मिल्क है, एग बना सकते हो, एग्स लिख दो. ठीक है, वेजिटेबल्स जो स्पिनच वगैरह होता है वो सब बना सकते हो. तो आप दो पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट है गिव अस एनर्जी, हमें जिससे एनर्जी मिलती है. पहला था कि हेल्प अस टू ग्रो, जो बढ़ने में हेल्प करता है. दूसरा है एनर्जी, जिससे हम एनर्जी मिलती है, तो वो हैं कार्ब फूड, बनाना, एप्पल, ठीक है, पोटैटो, राइस, जो चावल होता है, इसलिए हमारे खाने में चावल या फिर रोटी ज़रूरत है. वीट, तो आप वीट बना सकते हो या आटे का पैकेट बना दो. ठीक है, तो आप दो चीज़ें जो है वो यहाँ ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट है कीप अस हेल्दी, जो हमें हेल्दी रखते हैं, तो सारी चीज़ें हम हेल्दी रखते हैं, तो आप उसमें नॉन वेजिटेरियन, तो आप एग्स बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो आप उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स बना सकते हैं, भिंडी, करेला, पालक. उसके बाद मिल्क का ग्लास बना सकते हैं, पल्सेस, दालें बना सकते हैं. ठीक है, या फिर फ्रूट्स बना सकते हैं. तो आपको दो दो फूड आइटम्स ड्रॉ करना है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो. ठीक है, और आप उसे कलर भी करेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे. आपको छोटी छोटी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट, वी ईट फूड बिकॉज, हम खाना क्यों खाते हैं. तो फर्स्ट है इट गिव्स अस, हमें फूड क्या देता है, तो इट गिव्स अस एनर्जी, तो यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी. ठीक है, दूसरा है इट कीप्स अस, ये हमें क्या रखता है, तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग. एंड
हेल्दी लिखेंगे। ये आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं दिखा भी देती हूँ कहाँ लिखा है। इट हेल्प्स अस, ये क्या हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स अस टू वर्क एंड प्ले। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी हैं और आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर भी मेंशन हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको लिखने हैं यहाँ पर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका वेजिटेबल प्रिंटिंग, वेजिटेबल से पेंटिंग करनी है। टेक अ पीस ऑफ लेडी फिंगर और अ पोटैटो, आपको या तो आलू का टुकड़ा लेना है या भिंडी का टुकड़ा लेना है। डिप इट इनटू अ बाउल ऑफ वाटर कलर, आपको वाटर कलर कोई भी वाटर कलर अपनी फेवरेट ले सकते हैं, उसको आप एक कटोरी में रखेंगे, उसमें हल्का पानी मिलाएंगे एंड आपको पैटर्न बनाना है। आप फ्लावर बना सकते हो, आप पोटैटो से बना सकते हो, पर ये आप बुक में नहीं करोगे वरना बुक आपकी डर्टी हो जाएगी, तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये नोटबुक में होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस बुक में होंगे, ये वाला पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होगा। तो आज जो आपका होमवर्क है वो आपको ये दोनों क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। ठीक है, वो आंसर मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी। ये वाला क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए, बाकी ए के दोनों ए के पार्ट जो हैं ये बुक में ही होंगे। ठीक है, और जो बी है ये आपका नोटबुक में होगा। और आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, तो ऐसा कीजिए आप ये भी बुक में ही कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी बुक में, ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। जो ए पार्ट है ये भी बुक में ही करना है, ये वाला भी बुक में ही भरना है, और ये वाला जो बी पार्ट है ये आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।